अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आइंदा आने वाली अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मेरी कोशिश होती है रिएक्शन शॉर्ट हो, पॉइंट टू पॉइंट हो। अच्छा जी, मैंने एक लाइव देखी और उस लाइव में जो है वो मैंने ये देखा और मैंने सुना। पहले वो लाइव जो है वो हाइड कर दी गई थी और कर वो लाइव जो है वो पब्लिक कर दी गई। और उस लाइव में मैंने सुना कि मिस्टर 30% इंसाफ बीबी जो है उस लाइव में मौजूद थे और वो कुछ ऐसा गुमान हो रहा था कि मिस्टर 30% का रेप हो गया। रेप इन सेंस, क्योंकि वो बार बार आके जो है वो बार बार ये कह रहे थे, इंसाफ बीबी उनको प्रोवोक कर रही थी कि बोलो बोलो तुमने ऐसे किया, बोलो ऐसी बातें। और वो कहते थे कि हाँ मेरा जो है वो सितारे से अफेयर था और हाँ मैंने ऐसे किया और हाँ मुझसे जो है मैं मिलने गया और मतलब जो भी रिलेशन में, तो उसको बात भी नहीं करना चाहती। यानी वो जिना के टैग को फिर उस पर लगाना चाह रहे थे। अच्छा, अगर लेट्स सपोज, मैं तो ये कह ही नहीं रही कि ऐसा हुआ है क्या है क्या नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ या मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक चैनल के लिए किस कदर गिरना है इन दोनों मियाँ बीवी को। आप किस कदर गिरना चाहते हैं एक चैनल के लिए? यानी आपने हर चीज़ जो है तबाह बर्बाद कर दी, किस लिए? आप मुझे बताइए, मुझे ऑडियंस जवाब दें, किस लिए ये चीज़ें जो हैं वो तबाह बर्बाद की? सिर्फ अपना चैनल ग्रो करने के लिए। सिर्फ इन दोनों मियाँ बीवी ने ये देखा कि सितारा जब सऊदी आई और उसका लाइफस्टाइल देखा और ये सब चीज़ें देखी कि किस तरह वो ख़र्चा कर रही है। या एक होता है ना कि पहले जो है फैमिली में एक बंदा कमज़ोर होता है, जैसे सितारा यासीन सबसे वीक थी अपनी फैमिली में फाइनेंशियल हिसाब से, और जब वो फिर वहाँ गई और वो जिस तरह खर्च करनी जब फार्म हाउस वगैरह में उसको क्या कहते हैं, इस तरह कहते हैं पता नहीं, ऐसे कुछ कहते हैं, फार्म हाउस ले रही हैं। ये तो कभी भी आपने देखा होगा, ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं कभी भी इन्होंने ऐसा लैविश फार्म हाउस जो है वो नहीं लिया किसी भी सेलिब्रेशन के लिए। ये कहीं पहाड़ों में चले जाते हैं या फिर ज़्यादा जो है वो एक आपने देखा होगा उजड़ा सा फार्म हाउस जहाँ पे इन्होंने खजूर के दरख्त वगैरह जो है वो लगाए हैं, वहाँ जाके कोई चीज़ कर लेते हैं, उस पर वही वाइट झूला आपको नज़र आता है इस तरह के। लेकिन जब सितारा वहाँ पे गई और उन्होंने इनका लैविश लाइफस्टाइल देखा तो इन्होंने ट्रैप किया। अब ट्रैप कैसे किया? इंसाफ बीबी ने तो ट्रैप करने की बहुत कोशिश की होगी यकीनन, इन्होंने अपने शौहर से जो है उसको ट्रैप करवाया। मैं तो यही कहूँगी ये ट्रैप करवाया। और यकीनन चीज़ें उस हद तक नहीं हैं जिस हद तक इन्होंने बताई, ये दोनों मियाँ बीवी बता रहे हैं। अच्छा, बता तो रहे हैं जो भी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इस कदर बेवकूफ़ी, यानी मुझे देखिए, आप किसी को नीचा गिराते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ आप किसी को नीचा गिराएंगे आप खुद नीचे गिरेंगे। सितारा यासीन के बच्चे जो हैं अभी छोटे हैं, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, या सितारा, मैं तो ये कहूँगी सितारा इतना अफोर्ड कर सकती है, उसे अल्लाह ने दिया है कि वो शायद अपने बच्चों को बाहर भेज दे आला तालीम के लिए, जाते हैं आजकल के बच्चे, लेकिन इनके पास इतना वसाइल नहीं होंगे, नहीं है कि ये अपने बच्चों को बाहर भेजें। सितारा यासीन के बच्चे जब तक बड़े होंगे तब तक लोग ये बातें भूल जाएंगे, लेकिन इन कमअक्लों को ये समझ नहीं आ रहा कि इनकी जवान बेटियाँ हैं और जिसमें वो जो बड़ी वाली बच्ची है तमन्ना शायद उसका नाम है, वो बिल्कुल शादी के लायक है वो बच्ची, और इस इन्होंने एक दो साल में उसकी शादी करनी है। तो जब ये शादी करने खड़े होंगे तो ये किस मुंह से उस बच्ची की शादी करेंगे? अपने अपने औलाद के लिए जो ना सोचे आगे क्या रह जाता है? आप मुझे खुद बताएं, वो अपनी बहन से क्या सिंसियर होगी? अगर जो है मिस्टर 30% वो अपने वालिद के साथ सिंसियर नहीं है, तो वो सितारा के साथ क्या सिंसियरिटी दिखाएंगे अपने ख़ानदान वालों के साथ? ये इंसाफ बीबी जो है जो अपनी वालदा के साथ सिंसियर नहीं है, तो ये क्या ही सिंसियर होंगी अपने बच्चों के साथ? तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे देखिए ना, मिस्टर 30% खुद आए और खुद जो है इन्होंने मुलाकात में कह रहे हैं की है, तो भाई तुम्हें सितारा ने तो टिकट भेज के नहीं बुलाया, यानी तुम खुद आए थे कि भाई हाँ और मेरा रेप कर लो। क्या रेप हुआ है तुम्हारा? मुझे तो तुम ऐसे विक्टिमाइज लग रहे हो, और कोई अपने शौहर को, ये देखें ये एक मिसाल है आप सबके लिए, इंसाफ बीबी जिस तरह से अपने शौहर को गंदा कर रही है, जिस तरह से इसका एविल माइंड चल रहा है, जिस तरह से इसने अपने शौहर की जलालत लगाई है, और देखिए मिजाजी खुदा कहा जाता है शौहर को, जिस तरह से इसने अपने शौहर को जेल में भेजा, वो याद होगा ना आपने डोमेस्टिक वायलेंस का जो इसने केस बनवाया,
उसके बाद इसने यूट्यूब पे आके बदनाम किया, तो मुझे यही लग रहा है इसका शोहर बिल्कुल एक बेकार आदमी है, और उसने जो है इसको दे दिया है सारा चार्ज के भाई अब तुमने घर का सारा खर्चा चलाना है, तो अब तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम नंगापन करो बच्चों को, मतलब जो भी नंगापन करो मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मुझे बस पैसा चाहिए, तो उनका यही है। दूसरी तरफ से जो वो टैना है, मैं टैना इसलिए कह रही हूँ कि वो टैन है, वो जो टैना है वो क्या कर रही हैं कि वो रो रही हैं मेरी हाई लगेगी। देखो तुम्हारी एक तो हाई नहीं लगेगी टैना, दूसरी बात ये कि तुमने जो जो हरकतें की हैं, जो जो चीज़ें की हैं, वो ऐसी नहीं है कि तुम अब उस पर सिंपथी गेन करो। दरअसल टैना और इंसाफ बीबी इन दोनों का यही मसला था कि इन्हें सपोर्टर्स की भूख थी कि हमें सपोर्टर्स मिले, जैसे सितारा यासीन को लोग प्यार करते हैं, जैसे सितारा यासीन को लोग सपोर्ट करते हैं, हमारा भी एक सपोर्टर्स का ग्रुप हो। क्या हुआ उन सपोर्टर्स ने, क्या बेटा उन लोगों ने तुम्हें लानत दे दी, उन सारे सपोर्टर्स ने उन लोगों ने तुम पे लानत भेजी सारे सपोर्टर्स ने, और सब पता चला कि तुम लोग किस तरह पैसे दे के 5,000 रुपये दे के तुम लोगों को कहते थे कि तुम 5,000 रुपये लोगों को दे के कहते थे कि हमारे ऊपर लाइव्स करो, ये सबूत मिला है हमें, ये दिखाया है। और किसने दिखाया है भाई, तुम्हारे अपने टैना, तुम्हारे अपने शोहर नामदार ने हमें ये चीज़ दिखाई है कि तुम्हारी सलमा बाजी 5,000 रुपये दे के कहती थी मेरे ऊपर लाइव कर लो। तो ये सब चीज़ें आपके अपने सपोर्टर्स नहीं, और सपोर्टर्स आप पे लानत भेज फेंक के थूक फेंक के जा चुके हैं, आप लोग एक्सपोज कर चुके हैं, क्या फ़ायदा हुआ ना यहाँ धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना आप सितारा के रहे, ना आप सलमा के रहे, आप दोनों मियाँ बीवी के तो खूब जो है ना वो यूट्यूब पे हुई है। अच्छा फिर मैंने ये देखा कि टैना जो है वो रील्स बना रही हैं, एक तो खैर होते वाले जो है वीडियोस बना रही हैं, फिर रील्स बना रही हैं, अच्छा रील्स में इफ़ेक्ट्स भी डाल रही हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा ये किस किस्म का रोना है भाई। ऐसे रोना कभी आपने किसी का देखा है कि कोई रील्स बना बना के रोए, और एक अजीब सी ड्रामेबाजी, अजीब सी सिंपथी जो इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है। उसके बाद मैंने लिया का भी एक स्क्रीन शॉट देखा किसी के चैनल पे, जिसमें वो ये कह रही हैं कि सब यूट्यूबर्स का जो हिसाब होगा वो कयामत के दिन होगा। अच्छा वो सितारा यासीन का तो होगा, बाकी यानी मिस्टर 30% और इंसाफ बीबी और टैना, ये सारे यूट्यूबर्स के हिसाब जो है वो रोज़ कयामत होगा। तो मुझे ये समझ नहीं आता लिया कि ये तो सारे आप इनके सपोर्टर्स थे, आप इनके चाहने वाले थे, ये आपके चाहने वाले थे, तो चलें सितारा से तो आपकी नफ़रत थी, नफ़रत का आलम हमने देखा कि आपने क्या क्या किया, लेकिन ये तो आपके अपने थे, इनका कैसे रोज़ कयामत हिसाब होगा। यानी इन्होंने भी आपको कुछ डिच किया है, कोई ऐसी बात की है जिसके लिए आप ये कर रही हैं। अच्छा उस लाइव में जो है ये जो अजगर ये मिस्टर 30% साफ बीबी जो जिस लाइव में आए हैं उसमें साफ बीबी बाकायदा से अपने शौहर को उन्होंने टॉमी बनाया हुआ था, और कह रही थी कि बोलो कि तुम्हारी इज्जत लूट चुकी है, तो कहते हाँ मेरी इज्जत लूट ली मेरा रेप कर लिया, मैं 5 बच्चों का बाप हूँ, अब भी मेरी देखो मैं तो कहीं का नहीं रहा, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ना है। लेकिन जो एक औरत होती है ना जो अपना सीना पीट पीट के कहती है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, तो इसी तरह से हमें मिस्टर 30% जो है वो नज़र आए। बहरहाल बड़ा ही मुजहका खेज, बड़ी ही कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो ख़त्म होती है फिर शुरू हो जाती है, ख़त्म होती है फिर शुरू हो जाती है। भाई अब लोग कहते हैं कि भाई इस टॉपिक को छोड़ दें, हम कैसे छोड़ दें भाई, हमारा तो रिएक्शन चैनल है, अगर लोग खुद ही आके ये सारी बातें करेंगे, एक चीज़ ख़त्म हो जाती है और फिर आप शुरू कर देते हैं, तो इसमें हम क्या करें, हम तो रिएक्शन देंगे भाई, तो हम किसी के जो हैं वो मातहत काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं कहती हूँ ना कि हम सितारा ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम नहीं कर रहे हैं, मैं शुरू से कहती हूँ, तो हम किसी के मातहत काम नहीं कर रहे हैं। हाँ जहाँ तक सितारा ने कहा है उनकी वालदा के बारे में बात ना करें, बिल्कुल जी अगर वो चाहती हैं कि उनकी वालदा, देखिए वालदा सोशल मीडिया पर्सन नहीं है, उनके बारे में बात ना करें तो ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो हाजी साहब भी जो हैं वो पूरी तरीके से इनकी वालदा को कैश करा रहे हैं भाई, वो मियाँ बीवी उनका अपना मसला है। और ये भी बताया गया चाचू की वीडियो में कि जो सितारे के वालिद हैं वो इनको पसंद नहीं करते थे, हाजी क्या नाम है इनका, जो मिस्टर 30% के वालिद हैं इनको पसंद नहीं करते थे, इनसे मेल जोल नहीं रखते थे। उसकी कोई ना कोई तो रीज़न होगी ना कि क्या मसला था, ये क्यों इनमें लड़ाइयाँ झगड़े जो है वो रहते थे। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।